और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ साथ अब ईरान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। मार दिया हिजबुल्लाह चीफ, काले ताबूत में जाएंगे ईरान, सीरिया, यमन। शुक्रवार को बेरूत में इजरायली वायुसेना ने जिस तरह से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को भीषण धमाके से उड़ाया, उसे देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला का मारा जाना लेबनान युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब लेबनान में एक भी हिजबुल्ला का ऐसा टॉप कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग करने की हिम्मत कर सके। एक भी हिजबुल्ला का ऐसा कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग पर बड़ा फैसला ले सके। צה"ל נמצא במוכנות C בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מתחת מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה. בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग होने जा रही है और अब ईरान को इसराइल से जंग करने के लिए आखिरी युद्ध करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्शा दिखा दिया है जिसने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिए हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास के बाद हिजबुल्ला का पूरी तरह से सफाया होते ही इजराइल ईरान को भी पूरी तरह से तबाह करने में जुट जाएगा। इन दो तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्ला के सफाए को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था। एक तरफ उसने 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को हिजबुल्ला का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्ला को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्शा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है, फिलिस्तीन का मुद्दा कब्र में दफन हो गया है। वहीं नसरल्ला को मारकर इसराइल ने दिखा दिया है कि लेबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अब नसरल्ला दुनिया को डरा नहीं पाएगा। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के बाद इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इधर पीएम नेतन्याहू ने इजरायली दुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास स्टील की नसें हैं। पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में इजरायली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। हम आपको बता दें कि नसरल्ला कई बार अपने भाषणों में इसराइल को मकड़ी का जाल बता चुका था, लेकिन अब इसराइल के इसी बारूदी जाल में फंसकर वो मारा जा चुका है। हालांकि ईरान का अभी भी यही दावा है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला जिंदा है, लेकिन ईरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने शुक्रवार रात अपने घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे वॉर क्राइम बताया। खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा कि इजरायल हद पार कर रहा है, लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. गजा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इसराइल है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान,
ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश हैं। बाकी दो और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम है, जबकि इकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। हालांकि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कम से कम 6 देशों को इसराइल की तरफ मिला लिया है, इसलिए ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लिए इसराइल को आसानी से हरा पाना लगभग असंभव है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। इसराइल 9 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5,00,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इसराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्ला संगठन में 32 साल से चीफ रहे नसरल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला इसराइल से जंग कैसे करता है। तो इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्ला का चीफ नसरल्लाह मारा गया। हसन नसरल्लाह करीब 32 साल से हिजबुल्ला का चीफ था, लेकिन उसकी मौत के चंद घंटों के बाद ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर हिजबुल्ला का अगला चीफ कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर सामने कई नाम आ रहे हैं, लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, मारा गया हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला। अब कौन संभालेगा हिजबुल्ला की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्ला चीफ की गद्दी? हाशिम सफीदीन या शेख नईम कासिम में से कौन? नसरल्ला की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्ला के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इसराइल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीदीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्ला की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीदीन का। सफीदीन हाशिम हसन नसरल्ला का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरल्ला की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्ला के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरल्ला के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीदीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था। बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हावभाव नसरल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीदीन हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीदीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्लाह चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वही हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है, और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्ला में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफरफिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्ला के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्ला के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्ला का प्रवक्ता भी रह चुका है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्ला के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्लाह के सफाई के बाद भी इसराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है।
हिजबुल्ला के चीफ नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इसराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान पर एक्शन के लिए इसराइल ने 1,00,000 रिजर्व सैनिक रखे हैं और साथ ही इसराइल ने सेकेंडों में टैंक और आर्म्ड वकील लेबनान की सीमा के पास तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा गाजा से कुछ ब्रिगेड्स को भी बुला लिया है। इतना ही नहीं, इसराइल ने अपने फाइटर जेट को रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। इसराइल की तैयारी देखकर ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल बहुत ही जल्द किसी भी समय लेबनान पर अटैक कर सकता है। तो इसराइल की एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है उसकी कीमत भी बता देते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत भी आपको समझना जरूरी है। साल से पूरा पश्चिम एशिया जिस बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है वो गाजा के बाद बेरूत में हुए इस हमले को लेकर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पट्टी के बाद लेबनान भी इसराइल की बमबारी में खंडर बनता जा रहा है। हिजबुल्ला के कमांडर हसन नसरल्ला को कैसे टारगेट किया गया, इसे समझने के लिए नसरल्ला की लोकेशन समझिए। हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्ला का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यही 2006 से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का घर रहा है। हसन नसरल्ला को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्ला बंकर में ही रहा है। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्ला को पब्लिक के बीच देखा गया था। अब तक हसन नसरल्ला का पब्लिक के बीच आना अचानक हुआ। कहते हैं कि इसके बारे में उनके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्ला के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात रहते हैं। हसन नसरल्ला के बंकर का दरवाजा कहां से खुलता है, किन गलियों से बंकर का रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्ला के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी रही है और वो हिजबुल्ला के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इसराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्ला के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती थी। यही वजह है कि हसन नसरल्ला पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही रहा, लेकिन इस बार बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के महासचिव की मौत की गारंटी मांगी थी। न्यूयॉर्क में बैठे नेतन्याहू ने इसराइल की वायुसेना को फार्मूला बी लागू करने का ऑर्डर दिया और फिर इसराइल ने बंकर बस्टर का बहुत ही प्लानिंग से इस्तेमाल किया। पहले वीडियो में देखिए कि बेरूत में कैसे धमाका हुआ। एक के बाद एक कई बम गिराए गए, कई ब्लास्ट हुए, ये साफ साफ देखा जा सकता है। अब ऐसे धमाकों का एक ही जगह होना क्या बताता है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर इसराइल का फॉर्मूला बी लागू करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज 1 में पहले इसराइल ने GBU-28 बंकर बस्टर फायर किया और ऐसे कई बम गिराए गए। इसके बाद स्टेज 2 में इसराइल ने GBU-72 बंकर बस्टर फायर किया और इसमें ही उसने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के कामयाब होने का दावा कर दिया। Lebanese people, and we'll be, of course, very interested to get your assessments. उसे तीसरा बंकर बस्टर GBU-57 दागने की नौबत ही नहीं आई। इजरायल की बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए हैं, F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान में बमबारी की जाती है। इसराइल के एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है उनकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि हिजबुल्ला पर हमले की कीमत भी समझनी जरूरी है। बेरूत में हिजबुल्ला के टारगेट पर जो बम इस्तेमाल किए गए हैं उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक होती है। ऐसे बम को उन्हीं टारगेट पर इस्तेमाल किया जाता है जहां दुश्मन की मौत की 100% गारंटी होती है। इसीलिए नेतन्याहू ने फार्मूला बी का इस्तेमाल किया है और हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला को खत्म करने का दावा कर दिया। हमास के सुरंग नेटवर्क को तो इसराइल भेदने में 30% ही कामयाब रहा है, लेकिन लेबनान में उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट बनाने में कोई कमी नहीं की। अब सबकी नजर बेरूत पर भी है और तेहरान पर भी है। कौन सा सिग्नल आएगा और फिर क्या वो सिग्नल युद्ध भड़काएगा या फिर इस धमाके के बाद हिजबुल्ला खामोश बैठ जाएगा। और अब खबर पाक के नापाक